हाय गाइस, तो कैसे हो आप? मैं साहिल स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल काकाशी गेमिंग पर। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सीज़न 10 के वीक 7 मिशन के बारे में। ठीक है, इसको अपन किस तरह से इजीली क्लियर करें मैं पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको कि आपको किस तरह क्लियर करना। मेरे पास एक वीक पहले मिशन आ जाते हैं। ठीक है, तो अपन चलते हैं अपने मिशन की ओर। ठीक है, चलो ये अपन गए वीक 7 पर, अपन क्लिक करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन बंदों की जो आरपी परचेस किए हुए हैं। ठीक है, उन बंदों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो मिशन दिया है, लैंड ऑन टॉप ऑफ एनी बिल्डिंग सेंट मार्टिन 3 टाइम्स, यानी कि जो मीरामार में सेंट मार्टिन जो एरिया है, ठीक है, उसकी एनी बिल्डिंग, कोई सी भी बिल्डिंग पर आपको 3 टाइम्स वहाँ पर लैंड करना है, बिल्डिंग्स के ऊपर करना है, ना कि लैंड पर। ठीक है, सेंट मार्टिन पे करना है। ये आपको क्लासिक मोड में करो या आर्केड मोड में, ठीक है, इजीली क्लियर हो जाएगा ऐसे आपका। ठीक है, सेकंड मिशन दिया गया, किल 20 एनिमीज इन द मिलिट्री बेस एरिया, मतलब कि जो मिलिट्री बेस एरिया है, ठीक है, उस मिलिट्री बेस एरिया में आपको 20 एनिमीज को किल करना है। और यह इसमें कोई कंडीशन नहीं दी गई है कि आपको ये आर्केड मोड में करना है, क्लासिक मोड किसी में भी कर सकते हैं आप। अगला मिशन दिया गया है, गेट द M24 इन 3 मैच इन क्लासिक मोड। इसका मतलब है गाइस कि आपको M24 को 3 बार कलेक्ट करना है, 3 मैचेस में कलेक्ट करना है, यानी 3 टाइम्स 3 मैचेस में कलेक्ट करना है M24 आपको। यानी यदि आपके किसी फ्रेंड को M24 मिलता है तो आप उससे कह सकते हैं, भाई मेरा मिशन है, मुझे M24 दे, मैं तुझे वापस दूंगा। ठीक है, तो उससे लेकर उसको वापस दे दो ईमानदारी निभाते हुए। ठीक है, फिर अगला नेक्स्ट मिशन है, यूज़ द सुपर स्टार इमोट इन द स्कूल एरिया आईपी रैंक रिवॉर्ड, मतलब कि जो सुपर स्टार जो इमोट है उसको आपको मिलिट्री बेस एरिया, यानी मिलिट्री बेस का जो एरिया है वहाँ पर आपको किसी भी एरिया पर लैंड करना है मिलिट्री बेस में, और आपको जो इमोट दिया गया है आरपी में, याला आपको करना है वहाँ पर, चलाना है याला सुपर स्टार इमोट को, तो आपका ये मिशन ईजिली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट मिशन की ओर अपन चलते हैं। नेक्स्ट मिशन दिया गया, ये वो मिशन है जो जिसने रॉयल पास परचेस नहीं किया उन बंदों का ये मिशन है। तो मिशन दिया गया, फिनिश इन द टॉप 3 टाइम्स इन स्क्वेड क्लासिक मोड, यानी 3 मैचेस जीतना है आपको क्लासिक मोड, कंडीशन है यहाँ पर क्लासिक मोड 3 टाइम्स, मतलब 3 मैच 3 टाइम्स टॉप 3 में आकर आपको 3 मैचेस जीतना है क्लासिक मोड में, आर्केड मोड में नहीं होगा, आपको क्लासिक मोड ही खेलना पड़ेगा, टॉप 3 में आना है 3 टाइम्स आपको। ठीक है, फिर उसके बाद दिया गया, किल 20 एनिमीज विद M16A4, आपको 20 एनिमीज मारना है M16A4 से क्लासिक मोड आर्केड मोड किसी में भी कर सकते हो आप। अभी मिनी जोन तो एक्टिव नहीं है, चल ही नहीं रहा है, ठीक है, तो आप 20 एनिमीज मार सकते हो किसी भी मोड में। इसके बाद जो मिशन दिया, गेट ए स्मोक ग्रेनेड इन 20 मैचेस, तो आपको जो ग्रेनेड स्मोक है, स्मोक को आपको कलेक्ट करना है 20 मैचेस में। ठीक है, मेरे 11 मैचेस में हो चुके हैं समथिंग, तो आपको ये 20 मैचेस में कलेक्ट करना है। तो एक आप इसमें भी कोई कंडीशन नहीं कि क्लासिक मोड या आर्केड मोड, या आर्केड मोड में करोगे आप तो बहुत जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता आर्केड मोड में, और ग्रेनेड और स्मोक आसानी से मिल जाते हैं, तो स्मोक आपको कलेक्ट करना है 20 मैचेस में। इसके बाद जो मिशन दिया गया कि 10 एनिमीज इन रेंगल इन क्लासिक मोड विथ बोल्ट एक्शन राइफल, एक्शन राइफल को से आपको किल करना है 10 एनिमीज। ठीक है, इसमें कंडीशन है क्लासिक मोड, आर्केड मोड में नहीं होगा ये, आपको किस तरह करना है मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये जो गन दी गई है, ठीक है, ये जो गन दी गई है K98, M24, AWM या V94, इनसे आपको बंदे मारना है। ठीक है, किल करना है आपको ये सिर्फ क्लासिक मोड में 10 मैचेस में मारना है। अभी मीरामार में भी जाकर कर सकते हो, क्योंकि ये गन तो बहुत जल्दी नहीं मिलती है, बट मेरा मान में ये V94 गन आसानी से मिल जाती है। ठीक है, तो ये आप आसानी से क्लासिक मोड में कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मिशन की ओर अपन चलते हैं। नेक्स्ट मिशन दिया गया है, विन ए क्लासिक मैच वी वेयरिंग Level 3 आर्मर, यानी कि आपको जो Level 3 का जो वेस्ट होता है, ठीक है, वो पहने हुए होना चाहिए, और आपको एक क्लासिक मोड मैच विन करना है इजिली, या चिकन डिनर करना है आपको क्लासिक मोड में, मगर कंडीशन है कि आपको Level 3 का वेस्ट पहने हुए होना और क्लासिक मोड में करना है आपको, ये भी कंडीशन है। ठीक है, इसके बाद दिया गया है, डील ए टोटल ऑफ 500 डैमेज टू एनिमीज हेड्स, यानी कि ये आपका एक ही गेम में इजीली हो जाएगा, यदि आपने 3 से 4 किल भी करे तो। आपको जो एनिमीज का जो हेड होता है,
ठीक है, उसके ऊपर आपको डैमेज देना है। ठीक है, यदि आप 5 से 6 बंदे भी मार दे हो एक मैच में, ठीक है, तो आसानी से आपका एक ही मैच में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, लव यू फॉर ऑल।